उसके बाद मैंने साइड में टच किया तो वो सूख गया था, तो मैंने मिडल में टच किया तो वो सूखा नहीं था, तो वो खराब हो गया। Hi guys! Hello! तो आज मेरे चैनल पे फेनिल है और आज हम लोग क्या करने वाले हैं ये फेनिल बताएगा। तो आज हम लोग फ्लूइड आर्ट करने वाले हैं। जैसे आपने इंस्टाग्राम पे देखा रहेगा काफी सैटिस्फाइंग वीडियोस होते हैं, कलर्स ब्लेंडिंग वगैरह वगैरह। वैसे तो रेजिन आर्ट भी आता है एक टाइप, बट आज हम फ्लूइड आर्ट करेंगे तो पहले सिखाएगा अभी। सो लेट्स सी। सो फ्लूइड आर्ट के लिए क्या क्या लगता है? एक है कैनवस बोर्ड जो स्ट्रेच कैनवस आता है, देन आपको नॉर्मल प्लास्टिक ग्लासेस जो आप रीयूज कर सकते हैं, ग्लव्स लगते हैं फॉर द सेफ्टी, एंड ये फोर पेस्टल कलर्स हैं। वन इज लाइट ब्लू, लाइट पिंक, वाइट एंड लिटिल मोर ऑफ लाइट वॉयलेट लैवेंडर कलर। देन इसको पैटर्न्स बनाने के लिए स्ट्रॉ, एंड देन इसको अगर आपको मिक्स करना है उसके लिए स्टिक्स, कैंडी स्टिक्स। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूहू, अभी क्या करना है तेरे को? अभी तेरा समझ ये चार कलर है ना, तो एक के बाद एक पोर कर देना है थोड़ा थोड़ा इसमें लेयर्स में। तो कैसा अगर पोर करेगा ना तो वैसा पैटर्न आएगा, और ऐसा अपन एक दो तीन चार अलग अलग पैटर्न में पहन लेंगे। ओके, तो ये ग्लव्स पहनू मैं? हाँ, ग्लव्स पहन ले। ग्लव्स आर्ट करते वक्त और बाहर निकलते वक्त दोनों टाइम पहनना बहुत जरूरी है। व्हाइट कलर काफी सूटिंग है। सो अभी इसमें ना ये अपन दो ही ग्लास में बनाएंगे, इसमें से पोर करते जा थोड़ा थोड़ा दोनों में। हाँ, दोनों में चलेगा। अभी इसमें ये डाल, डर लग रहा है। बस अभी ये वाला उसमें ना, बस अभी इसमें ना ये, बस अभी वाइट डाल इसमें। किस में? बस अभी इसमें वाइट डाल चलेगा। पर गिरने दे, कलर करता है वैसे भी ऊपर डाल देंगे। आजू बाजू यहाँ पे कर, पीना नहीं है वो। आजू बाजू यहाँ पे अभी यहाँ पे सेम सर्कल जैसे मैंने डोली ये भी करते हैं। छोटे छोटे सर्कल बनाए आपने, बस यहाँ पे।
eventually. तो ये सर्विस को 14 घंटे ट्राई करने के बाद कहीं भी तो टांग सकती है. कितना टाइम? 14 आवर्स. हो 14 आवर्स सकता है? हां 14 आवर्स उसको नॉर्मल ड्राइव होने को. टच ड्राइव हो जाएगा 5 से 6 घंटे में क्योंकि उसको उठा के कहीं रख सकती है. तो 14 आवर्स के बाद कंप्लीटली यूजेबल ड्राइव हो जाएगा. बस अभी ग्लव निकाल दे. थोड़ा बहुत कलर बचता है तो नेक्स्ट शिफ्ट में यूज कर सकते हैं. तो जब ये ड्राई हो जाएगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कैसा दिख रहा है फाइनल व्यू इसका. फाइनल आउटकम. आउटकम ओके. ये मैंने गंदा ही कर दिया हाथ. निकाल दिया जैसे निकाला. ऑलराइट देन यस फाइनली. नहीं नहीं मेरे को वाटर पेन है. ये जाता है ना कलर? नहीं नहीं जाता है. पीछे लेके भी दिखा दीजिए. तो मैंने मेरा फ्लूइड पेंटिंग तो सुखा लिया है बट मैंने गड़बड़ कर दी है जो मुझे बताना है कि आप बिल्कुल नहीं करना. मैंने सूखने के टाइम पे उस पर सपोर्ट नहीं रखा था तो फिर वो पेपर उस पर टर्न हो गया तो वो खराब हो गया. उसके बाद मैंने साइड में टच किया तो वो सूख गया था. तो मैंने मिडल में टच किया तो वो सूखा नहीं था तो वो खराब हो गया. सो सिक ऐसा दिख रहा है अब. वो देखो ये खराब कर दिया मैंने. तो आप ये मत करना गलती. पहले सूखने देना सच में 14 आवर्स पूरा उसके बाद करना. सो दिस इज माई फ्लूइड आर्ट जो फेनिल ने कहा. थैंक यू सो मच फेनिल फॉर टीचिंग मी दिस अमेजिंग फ्लूइड आर्ट. या अगर आपको सेम आर्ट बनाना हो फ्लूइड आर्ट इन एनी अदर स्कीम्स जैसे ये था यूनिकॉर्न कलर स्कीम का था एंड दिस इज बाय जय छेड़ा वन ऑफ माय जूनियर एंड कम फ्रेंड. सो उसका लिंक इज इन बायो. एंड आल्सो इफ यू वांट टू लर्न रेजिन आर्ट फ्रॉम मी इफ यू वांट टू बाय रेजिन प्रोडक्ट्स और एंड प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल फ्रॉम मी देन श्योरली यू कैन जस्ट चेक द लिंक इन द बायो इंस्टाग्राम वेबसाइट www.handcraft.nph. और मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सो डोंट वरी. इसने क्या बोला आपको पक्का समझा नहीं होगा. तो ओके तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आप लोग वहां से देख लेना. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फेनिल. या लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड.